सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सर्जरी लेक्चर बाय तरंगनी गोस्वामी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द कारबंकल के बारे में। ओके, इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपके साथ सेल्यूलाइटिस का टॉपिक डिस्कस किया है, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम क्या होता है वो डिस्कस किया है। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा गाइस, मेरा 1, 2, 3 और यूट्यूब चैनल्स हैं, सो उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, सो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक है कारबंकल। सबसे पहले इसकी आती है डेफिनेशन। इट इज़ एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द सब क्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू स्टेफाइलोकोकस ऑरिस इन्फेक्शन। ठीक है, सो इट इज़ अ स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन। किसने कॉज किया? स्टेफाइलोकोकस ऑरिस ने किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इट इज़ एन इन्फेक्टिव गैंग्रीन ऑफ द सब क्यूटेनियस टिश्यू। हमारा जो सब क्यूटेनियस टिश्यू है उसका क्या है? एक इन्फेक्टिव गैंग्रीन होता है। इसे इन्फेक्शन कौन करता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। ग्राम निगेटिव वेसलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई मे बी फाउंड को इंसिडेंटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात आती है साइट की। सो कारबंकल्स आर मोस्टली सीन ऑन द बैक, पीछे बैक पे देखा जाता है, नेप ऑफ द नेक, वेयर द स्किन इज कोर्स एंड वाइटैलिटी ऑफ द टिश्यू इज लेस। जहाँ पर टिश्यूज़ की वाइटैलिटी कम होती है या फिर जहाँ पर स्किन थोड़ी सी कोर्स होती है, वहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं कारबंकल्स। ठीक है, द शोल्डर्स, द चेक, डॉर्सम ऑफ द हैंड आर द अदर रेयर साइट। ठीक है, डॉर्सम ऑफ द हैंड का मतलब क्या है कि पीछे वाले साइड पे, ठीक है, या फिर शोल्डर्स पे, चिक पे काफ़ी हल, मतलब बहुत सॉफ्ट सी होती है ना ये चिक वाली स्किन हमारी, तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी कम मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, रेयरली साइट है ये, और कॉमन साइट है हमारी बैक ऑफ द बैक हमारी और नेप ऑफ द नेक। ठीक है, हिरस्यूट पोर्शंस ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन मे बी इन्वॉल्व। ठीक है, हिरस्यूट पोर्शंस मतलब कि क्या बात कर रहे हैं? जहाँ पर बाल होते हैं चेस्ट पे, वो वाला पोर्शन, और एब्डोमेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहली बात कि ये एक कैसा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जो कि कॉज होता है बाय द स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, गैंग्रीन है ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू का, इसकी साइट है नेप ऑफ द नेक एंड बैक, और अगर हम बात करें रेयर साइट्स की तो रेयर साइट में आता है शोल्डर्स, चेक एंड डॉर्सम ऑफ द हैंड एंड हिरस्यूट पोर्शंस ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन में भी कभी कभी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात आती है पैथोलॉजी की। सो व्हेन द इन्वेडिंग स्ट्रेप्टोकोकाई पेनिट्रेट द डीपर लेयर्स ऑफ द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस फैट अ कारबंकल इज फॉर्म्ड। जब हमारा स्टेफाइलोकोकाई जो है वो पेनिट्रेट करता है डीपर लेयर्स में स्किन की, ठीक है, और सबक्यूटेनियस फैट में, तो वहाँ पर कारबंकल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेटिंग एब्सेसेस विच डिस्चार्ज बाय सेपरेट ओपनिंग्स ऑफ द सरफेस। दिस इज वाई द सरफेस इज सीव लाइक। ठीक है, इसकी सरफेस कैसी होती है? जैसे सीव स्लीव्स होती है उस टाइप की, सीव लाइक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा सीव सेल्स के बारे में, जब आपने पढ़ा होगा 12th में फ्लोएम वगैरह तब पढ़ा होगा। ठीक है, सीव लाइक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट इन द कारबंकल आर मेंटेन थ्रू परसिस्टेंस ऑफ अ फेशियल अटैचमेंट टू द स्किन। कारबंकल्स मे बी मोर एक्सटेंसिव देन दे अपेयर। ठीक है, जितने वो दिख रहे हैं उससे ज़्यादा भी वो हो सकते हैं। देयर इज अ सेंट्रल लार्ज स्लग सराउंडेड बाय अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल एरियाज ऑफ नेक्रोसिस। ठीक है, तो लाइक बीच में क्या होगा? एक स्लग होगा, मतलब कि एक तरीके का ऐसे कूड़ा सा भरा हुआ है, इसे कहेंगे हम स्लग। और साइड में क्या होगा? साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे से स्मॉल एरियाज होंगे जिसमें क्या हो रखी होगी? नेक्रोसिस। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये रही आपका कारबंकल का पैथोलॉजी। ठीक है, इन अनट्रीटेड केस, यहाँ पर लिखा हुआ है इन अनट्रीटेड केस इन्फेक्शन में एक्सटेंड वाइडली विद द फ्रेश ओपनिंग्स अपेयर ऑन द सरफेस विच कोलेस विद दोज प्रीवियसली फॉर्म्ड अंडर ट्रीटमेंट व्हेन द सेंट्रल स्लग इज ड्रेन्ड ऑफ। जब हम सेंट्रल स्लग को है उसको ड्रेन कर देते हैं, सो फाइब्रोप्लास्टिक रिएक्शन स्टार्ट फ्रॉम द सराउंडिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड कारबंकल हील्स, और तब वो कारबंकल क्या होता है? हील होना शुरू हो जाता है विद अ करेक्टरिस्टिक इंड्यूरेशन। ठीक है, करेक्टरिस्टिक इंड्यूरेशन का मतलब क्या है? कि वहाँ पर एक छोटी सी गांठ टाइप की बन जाती है, उसको हम बोलेंगे इंड्यूरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सो क्लिनिकल फीचर, इट जनरली अफेक्ट्स मेल। जनरली किस में होता है? ये मेल में होता है।
ऑफन द सब्जेक्ट इज डायबिटिक, ठीक है। एक तो ये डायबिटिक लोगों में हो जाता है, और उसके अलावा किस में कॉमन है, मेल्स में। ये पेन इतना मोटा हो गया है, ठीक है, और मेल्स में होता है। इट कमन्स एज अ पेनफुल एंड स्टिफ स्वेलिंग। ये शुरू कैसे होता है, दर्द होगा, ठीक है, पेनफुल एंड स्टिफ स्वेलिंग, थोड़ी हार्ड सी स्वेलिंग हो जाती है, विच स्प्रेड्स वेरी रैपिडली विथ मार्क्ड इंड्यूरेशन। वहाँ पर क्या हो जाता है, इंड्यूरेशन मतलब कि गांठ भी बन जाएगी। द ओवरलेइंग स्किन बिकम्स रेड, और उसके ऊपर की जो स्किन है वो रेड हो जाएगी, आपने बाहर थंबनेल में देखा ही होगा, डस्की एंड इडिमेटस। Subsequently, the central parts soften and multiple vesicles appear on the skin. Later on, these vesicles transform into a pustule. उसके बाद वो जो vesicles हैं वो क्या बन जाएंगे, उसमें पस भर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे pustules. These pustules subsequently burst, allowing the discharge to come out through several openings. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये पस्च्यूल चक्का जब मुंह खुल जाता है तो उसमें बहुत सारी ओपनिंग हो जाती हैं, और फिर वो सारा बाहर निकलने लगता है, ठीक है। सो सेवरल ओपनिंग्स इन द स्किन प्रोड्यूसिंग अ सीव लाइक और क्रीवी फॉर्म अपीयरेंस। तो अभी क्या होगा, वहाँ पर हमें क्रीवी फॉर्म अपीयरेंस दिखेगी, सीव लाइक अपीयरेंस, विच इज पैथोग्नोमिक ऑफ कार्बंकल्स, ठीक है, जो कि कार्बंकल का क्या है, एक पैथोग्नोमिक पॉइंट है। दीज ओपनिंग इन लार्ज एंड अल्टीमेटली कोलेस टू प्रोड्यूस एन अल्सर, ठीक है। तो ये ओपनिंग जब भर जाएंगी तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, अल्सर। एट द फ्लोर ऑफ द अल्सर लाइज द एशे ग्रे स्लग, फाइनली द स्लग सेपरेट्स लीविंग एन एक्सकेवेटेड ग्रेनुलेशन टिश्यू विच हील्स बाय इटसेल्फ। When the resistance of the individual is more in diabetic subject, the slugging process may extend deeply into the muscles or even the bone. ठीक है, तो diabetic patient के लिए carbuncle बहुत ज़्यादा एक बुरी condition लेके आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, constitutional symptom and toxemia vary according to the degree of the resistance of the individual and efficacy of the treatment, ठीक है। सो क्या constitutional symptoms क्या आएंगे, toxemia कितना होगा, ये सब पता चलता है कि भैया patient कैसा है, individual personality डिपेंड करता है, किसी को carbuncle से बहुत फ़र्क पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं treatment की तरफ, तो treatment में कहा गया है कि general health patient की अच्छी होनी चाहिए, because it is caused by the staphylococcus aureus, proper antibiotic देनी चाहिए हमें इसके टेस्ट के लिए, इसका एक सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना चाहिए, ओके, एंड इसके लिए हमें एरिथ्रोमाइसिन देनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक सर्जरी है, जो कि हमें सर्जरी इतनी पढ़नी नहीं है। तो ट्रीटमेंट हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए होती हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिंस। सो थेरेप्स की अगर हम बात करें, तो कार्बंकल की थेरेप्स में कौन कौन सी मेडिसिन आ सकती हैं, अगर आप लोगों को कोई लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। अदरवाइज मुझे कार्बंकल की मेडिसिन में अगर कोई याद आ रही है तो अकॉर्डिंग टू मी कार्बंकल्स, आई जस्ट हैव टू थिंक, मैं कंफर्म कर लेती हूँ एक बार। मुझे ऐसा लगता है हिपारसल्फ आएगी एक, तो बिकॉज हिपारसल्फ में क्या होता है, सपोरेशन, और इसमें भी सपोरेशन है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा मैं कार्बंकल्स का आपको देखकर बताऊंगी, एक अलग वीडियो बना दूंगी कार्बंकल्स की थेरेप्स की, इफ़ यू वांट। तो अगर आप चाहते हो कि मैं थेरेप्स भी बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं थेरेप्स भी आपके साथ अपलोड कर दूंगी। सो एक क्विक रिविजन कर लें, कार्बंकल क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय द स्टेफाइलोकोकस ऑरेस, इट इज़ अ इन्फेक्टिव गैंग्रीन। साइट की बात करें तो साइट में सबको पता है, नेप ऑफ द नेक पे मिलेगा, बैक पे मिलेगा, चिक पे और डॉर्सन ऑफ द हैंड शोल्डर पे काफ़ी कम मिलता है। बात आती है पैथोलॉजी की, तो भाई पैथोलॉजी की हम बात करें तो ये क्यूटेनियस फैट में घुस जाता है, वहाँ पे एक सीव लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, एंड उसमें थोड़ी थोड़ी सी ओपनिंग्स हो जाती हैं, दैट्स ऑल इनफ फॉर सम पैथोलॉजी। अगर आपने पैथोलॉजी अच्छे से पढ़ी है तो यू कैन राइट डाउन अबाउट दी कार्बंकल्स, बिकॉज बेसिकली इट इज़ ए इन्फेक्शन। आगे हम पढ़ें अगर क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, तो क्लिनिकल फीचर्स में मेल में ज़्यादा होता है, जो कि 40 साल से ऊपर के होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स में ये ज़्यादा होता है। उसके अलावा हम बात करें तो ये पेनफुल और स्टिफ स्वेलिंग के साथ स्टार्ट होता है, उसमें एक इंड्यूरेशन मतलब ये गांठ सी पड़ जाती है, रेड होता है, डस्की एडिमेटस हो जाता है, ठीक है। सो ये सब था आपका बेसिक, और जब हम इसका पस बाहर निकाल देंगे तो पेशेंट भी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बीच वाला जो सेंट्रल वाला पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा पस होता है, ओपनिंग्स हो जाते हैं, जो कि कभी कभी, और अगर ओपनिंग बहुत लंबे टाइम तक नहीं, ट्रीटमेंट बेटर नहीं हुआ, तो वो अल्सर भी फॉर्म कर देता है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड। अदरवाइज गाइस, मेरे और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, सो यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन फॉर द लिंक्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।